सभी को जय श्री राम, जय मां मनसा देवी। एंड न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्जुन सिंह चौहान पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल्स बताऊँगा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या कैसे जाए, क्या क्या। दोस्तों, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मनसा देवी मंदिर 3 किलोमीटर, यहाँ से ऑटो भी जाता है। अगर आप हड़की पौड़ी से जाना चाहते हैं 2 किलोमीटर है। रोपवे से दोस्तों 250 रुपया आना और जाना लगता है। पैदल आपको 786 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। 5 से 6 किलोमीटर है। मंदिर सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, दोपहर में 12 से 2 के बीच में मंदिर बंद रहता है, उस टाइम माता का श्रृंगार होता है। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हैं पैदल रास्ता है। अब हम लोग नीचे जहाँ से रोपवे के रास्ते से जाएंगे, दोस्तों ऊपर से भी आप जा सकते हैं। ऊपर से आपको मोटरसाइकिल या बाइक वाला दोस्तों 25 से 30 रुपये लेगा, वो आपको 2 किलोमीटर छोड़ देगा। फिर आपको कुछ 1 या 2 किलोमीटर चलना है। दोस्तों, हम नीचे जहाँ से रोपवे का रास्ता है उधर शॉर्टकट रास्ता। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मनसा देवी मंदिर कैसे आए, कैसे पहुँचे। दोस्तों, बाई एयर आप आना चाहते हैं जॉली ग्रांट देहरादून हवाई अड्डा है, हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा जो 72 किलोमीटर दूर है मनसा देवी मंदिर से। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूरी है। दोस्तों, सड़क के द्वारा आना चाहते हैं जिला मुख्यालय से ये 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मनसा देवी को समर्पित यह बिलवा पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रहे हैं और मेरे साथ जो है भाई साहब श्री शंभुनाथ पाठक और मेरे अंकल धनवाड़ से आए थे। दोस्तों, हम मोटरसाइकिल ले लिए हैं जो हमको मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर दूरी तक छोड़ देगा, उसके बाद अब हम पैदल चलेंगे। दोस्तों, अब हम आपको मनसा देवी मंदिर के बारे में बताना है। मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री कहा जाता है। इनके पति महर्षि जगतार्ता तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, श्री कार्तिक जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अन्य इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ पर हरिद्वार में स्थापित है। समय आने पर भगवान शिव ने अपनी पुत्री का विवाह जलकार्ता के साथ किया और इनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया। दोस्तों, यह हरिद्वार में स्थित 3 ऐसे पीठों में से एक है। अन्य 2 माँ चंडी देवी, माया देवी और तीसरा मनसा देवी है। दोस्तों, अभी मैं बाइक से आ रहा हूँ और बाइक हमको 1 किलोमीटर तक छोड़ देगा, उसके बाद हमको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। और जानकारी, मनसा देवी को विषहर माता के भी नाम से, इनका 12 गो नाम है दोस्तों, मनसा देवी का 12 नाम से जाने। दोस्तों, हम बाइक से आ गए हैं और मेरे साथ अंकल आंटी जो धनवाद से हैं, श्री भोला सिंह अंकल और उनकी ये आंटी हैं। और ऊपर का व्यू देखिए कैसा लग रहा है, हरिद्वार हड़की पौड़ी। ऊपर से मैं पूरा दृश्य दिखाते हुए चलता हूँ जो हड़की पौड़ी हरिद्वार ऊपर से कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, ये आप ऊपर का देख रहे हैं, सामने आपको हड़की पौड़ी हरिद्वार माँ गंगा आपको सब कुछ दिखाई देगा। और यही सामने मंदिर पे हमको जाना है। देख रहे रास्ता कितना पतला है और 5 से 6 किलोमीटर का चढ़ाई है और सीढ़ी जो टोटल है 786 है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, मंदिर सुबह में 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में मंदिर को बंद किया जाता है। इस वक्त माता मनसा देवी का श्रृंगार किया जाता है। पांडव की कुल देवी के नाम से मनसा देवी को जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो 250 रुपये आना और जाना लगता है। ऊपर का भव्य दृश्य आप देख रहे हैं किस प्रकार, उस प्रकार ये सामने देख रहे हैं हरकी पौड़ी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ज़बरदस्त माँ गंगा का नीचे का व्यू। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं मनसा देवी का। ये दोपहर का 11, ये मेरे व्हाइट में मेरी माता और आंटी है और हम लोग 5 आदमी हैं जो हम लोग जा रहे हैं। और रास्ते में बहुत से आदमी हमको मिले, देख रहे हैं ये अंकल आंटी सब हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, और मेरे पीछे का व्यू आप देखें, बहुत ही जब आप जाइएगा तो अलग। ग्रीस एक देश है, ग्रीस में भी मनसा देवी का प्रसंग आता है। इन्हें शिव और पार्वती की पुत्री तथा विश्व की देवी के रूप में ही माना जाता है। 14वीं शती के बाद इन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिरों में आत्मसत्या किया जाता है। यह मान्यता भी प्रचलित है कि इन्होंने शिव को हलाहल विष के पान के बाद बचाया था, परंतु यह भी कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ था। विष की देवी के रूप में इनको पूजा झारखंड और बिहार के बंगला धूमधाम से हिंदी और बंगला पंचांग के अनुसार भादो महीने पूर्णिमा इनकी स्तुति की जाती है। तो कहा जाता है बिहार, झारखंड और बंगाल में विष की देवी इनको कहा जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ। इनके 7 नामों के जाप से नाक का भय नहीं करता। ये नाम है इस प्रकार है, जगराक्ता, जगरोक्ति, मनसा, सिद्धियोगिनी, वैष्णवी, नागभी, नागेश्वरी, जगराता और आस्तिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पूरा मैं आपको मनसा देवी मुख्यतः नाग से अक्षित तथा कमल पर विराजित है।
सात नाग उनके रक्षण में सदैव विद्वान है। कई बार देवी को चित्रों तथा विभिन्न चित्रों में उन्हें एक बालक के साथ दिखाया गया है, जिसे वह गोद में ले वो बालक देवी का पुत्र आस्तिक है। दोस्तों, जब आप मनसा देवी से पहले ही रहिएगा तो आपको एक पहाड़ दिखाई देगा, बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ है। मैं आपको इतिहास भी बताते चल रहा हूँ, मनसा देवी क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि, और साथ ही पीछे का बैकग्राउंड भी दिखाते चल रहा हूँ दोस्तों। और ये देखिए, ऊपर से जाओ देखिए, बहुत ही भव्य नज़ारा। अब मैं महाभारत में इसका क्या प्रसंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पांडव वंश में पांडव में एक धनुधारी अर्जुन और उनकी द्वितीय पत्नी सुभद्रा से, जो कृष्ण और श्री बलराम की बहन है, उनके पुत्र अभिमन्यु हुआ था, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ, जिसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। परीक्षित पुत्र जन्मे ने अपने 6 भाइयों के साथ प्रतिरोध से नाग जाति का विनाश के लिए नागयष्ट किया था। शिव ने अपनी पुत्री मनसा का विवाह किया था, उसके पुत्र आस्तिक ने नागों को यज्ञ बचाया। राजा युधिष्ठिर ने भी माता मनसा की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप महाभारत के युद्ध में पराजित हुए, जहां युधिष्ठिर ने पूजन किया वह सलवा नाग से प्रसन्न हुआ। दोस्तों, ये मेरे साथ भाई साहब हैं जो मेरे गाँव के हैं। दोस्तों, ये मेरे साथ कुणाल सिंह हुए जो हाफ टी शर्ट पहने हुए, और रोहित जो चश्मा लगाए हुए, ये झारखंड गोरखपुर पूरा ग्रुप आए थे। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों। ये रोहित एंड पूरा ग्रुप है और उसके साथ कुणाल है। रोहित जी जो हुए चश्मा पहने हुए, कुणाल जो है हाफ टी शर्ट ब्लू में है। बहुत ही भव्य नज़ारा, ऊपर से कैसा दिखता है। मनसा देवी जब चढ़ने जाइएगा उससे जस्ट पहले ये आपको दिखाई देगा दोस्तों। और मेरे पीछे एक बार फिर आप देख लीजिए, जैसे जैसे ऊपर जा रहे ऊपर से और अच्छा दृश्य दिखाई देता है हरिद्वार, हर की पौड़ी और माँ गंगा का। और हर एक एंगल से मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का, और साथ साथ इतिहास भी मैं आपको बताता हूँ। और पुराण में क्या है, अलग अलग पुराणों में मनसा की अलग अलग कीमती है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म शिव के मस्तिष्क से हुआ था तथा मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए इसे ब्रह्मा से इसका नाम विषहरी रखा गया। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर का व्यू है। दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी उर्मी है। और विष्णु पुराण के चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये अब काफ़ी, अब हम मंदिर आ चुके हैं, अब हम ऊपर दोस्तों चलेंगे। दोस्तों, ये मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है तथा हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर माता शक्तिपीठ पर स्थापित दुख दूर करती है। यह मंदिर 3 किलोमीटर, यहाँ एक वृक्ष पर सूत्र बांधा जाता है, परंतु मनसा पूर्ण होने के बाद सूत्र निकालना आवश्यक है। दोस्तों, भव्य मंदिर है, भव्य नज़ारा है। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ आता है। और हरिद्वार में दोस्तों 3 पीठ है, जो पहला माँ मनसा देवी है, दूसरा माँ चंडा देवी, माँ माया देवी। और हरिद्वार में आने के बाद लोग मनसा देवी और यहाँ ज़रूर जाते हैं। दोस्तों, हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों 20 से 100 रुपये तक नारियल, माँ का चुंडी सब कुछ चढ़ाया जाता है। यही सामने गेट है दोस्तों, यहाँ से आप जा सकते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, देख रहे हैं, एंट्री एक साइड से जाना और एक साइड से आना। हम ऊपर आ चुके हैं, माँ मनसा देवी देख रहे हैं लोग जो दर्शन करके दूसरा साइड से आते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेना सब कुछ मना है। ऊपर जब जाइएगा, बहुत ही कोरोना का गाइडलाइन सब कुछ, माँ का चुनरी उन्डी आशीर्वाद पूजा पाठ करने के बाद। दोस्तों, जो आप रोपवे से जब जाइएगा तो रोपवे से आने और जाने का रास्ता दूसरा है, तो हम लोग पैदल ही चले थे क्योंकि रोपवे का लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था। अब हम माता का दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। मेरे पीछे आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं दोस्तों। और ये एंट्री है, अब हम यहीं से एंट्री करेंगे और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, माता मनसा चंडीगढ़ के समीप में पंचकुला में विराजमान होकर दूर रहती है। यह नवरात्र भव्य मेला का जो, दोस्तों चंडीगढ़ में भी एक मनसा देवी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। चंडीगढ़ बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तथा पंचकुला बस स्टैंड से 4 किलोमीटर दूर से मनसा देवी मंदिर में बसों या ऑटो रिक्शा पहुँचा जा सकता है। नवरात्रि के दिन यहाँ यात्रा आने जाने का विशेष प्रबंध रहता है। दोस्तों, अब मैं लाइन में लग चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। अब हम मंदिर का कुछ ही इसमें दर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, फिर भी 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है। और देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, बहुत गर्मी है। दोपहर में मैं आया हूँ, 11 बज रहा है दोपहर का, इसलिए पंखा उंखा बहुत ही। और अब सामने जो देख रहे हैं यही माँ मनसा देवी का मंदिर है, और ये सामने माँ मनसा देवी का मंदिर है। अब मैं आपको मनसा देवी का मंदिर का दर्शन कराता हूँ। भीड़ काफ़ी ज़्यादा, धक्का उक्का, और फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा
जो माँ मनसा देवी का आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन हो जाए। माँ मनसा देवी आपको ये सामने देखे दोस्तों, माता मनसा देवी का दर्शन आप कीजिए, माता मनसा देवी आपको मनोकामना पूरा करे, मेरी भी मनोकामना। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, वीडियो ले लेना काफ़ी सख्त मना है, लेकिन माफ़ करे। और जैसे ही आप नीचे आइएगा, नीचे भी बहुत सारा मंदिर उन्धर है, यहाँ पूजा पाठ आप कर सकते हैं दोस्तों। चामुंडा माता, अलग अलग माता, और यहीं पेड़ पे कहा जाता है जो बांधा जाता है, जब आपको कोई मनोकामना मांगते हैं तो यहीं पे बांधा जाता है। उसके बाद जब आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा, अलग अलग लक्ष्मी नारायण, भगवान शंकर, ये लोग देख रहे लोग आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय माँ मनसा देवी, जय श्री।